टुडे में जावेद अंसारी इस समय मौजूद हूँ रीवा के सबसे बड़े अस्पतालों में से, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ पर कोविड का कहर अब दिखाई देने लगा है। जी हाँ, कोविड का कहर अब दिखाई देने लगा है। और जैसा कि अभी आपको मैं अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा था, यहाँ का मेन गेट इस समय बंद कर दिया गया है। मेन गेट यहाँ से बंद कर दिया गया। हमारे साथ इस समय यहाँ पर नगर पालिका निगम रीवा की गाड़ी भी मौजूद है, जिस गाड़ी में यहाँ पर रितेश है, जो यहाँ पर लगातार लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक पहुँचाते हैं। पिछले दो दिनों का वाकया, कितनी मौतें हुई, कितने लोगों को यहाँ पर मुक्तिधाम में पहुँचाया गया। मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूँ, जैसा कि ये संवाहन में यहाँ से अस्पताल से वहाँ तक का सफर कराते, इसलिए सबसे बेहतर आंकड़ा यही बताएंगे। रितेश, दो दिनों में क्या हाल है शहर का? कल हम लोग 11 बाड़ी ले गए, आज हम लोग एक चक्कर में 5 बाड़ी लेके गए हैं। अभी ये छटनी लेके जा रहे हैं और एक लवारिस है, उसको भी लेके जाएंगे। कुल मिला के कितनी हुआ दो दिन में? दो दिन में सर, तो कल मान लीजिए 10 मान लीजिए, ये कल की 6 बाड़ी, ये 16 हो गई, एक बिंद हॉस्पिटल से ले गए 17 हो गई, एक री वहाँ से ले आए बिछो हॉस्पिटल। आपके अलावा और भी कोई ढोता है? मैं हूँ, मेरा साथी एक ठोर है चंदन। केवल यही गाड़ी? केवल यही गाड़ी। 17 लोगों को? जी, और कोई नहीं सर, सब हम लोग हैं। 17 लोगों का अंतिम संस्कार आपने कराया। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं नगर निगम का संवाहन है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस गाड़ी को देख रहे हैं, इसी गाड़ी ने पिछले दो दिनों में 17 लोगों को मुक्तिधाम का तक पहुंचाया है। इससे बड़ा पुण्य का काम उन लोगों को ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ के परिजन भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कोविड से डेथ होने के बाद उसको एक तरीके से लोग छूने भी नहीं देते। फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग जिस तरीके से यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, इनके काम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।